पीर सैयद हसन जहूर साहब असि दिल की अथा कराइया के नाल आपनों खुश आमदीद कहने और आप दे नाल एहतराम और जनाब वाला असि इन्हों का अदब करने माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज दे नाल हरी साहब सलावत फरमा रहे सन हुजूर जी आवत ते आयो अल हजरत हुजूर दे शान बयान करते हैं की लिखते हैं फरमाते हैं कमाल हुस्न हुजूर है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान अलग से जहां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान अलग से जहां नहीं यही फूल अखार से दूर है यही फूल अखार से दूर है यही शम्स है कि दुहा नहीं और मैं निसार तेरे कलाम पर मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको जुबान नहीं वो सुफर है जिसमें सुफर न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं और करूं तेरे नाम पर बचा खुदा अल्लाह की फरमाते हैं मैं अपनी जान या रसूल साहब की जान दे रही है करो तेरे नाम पर बचा खुदा करो तेरे नाम दावत खिताब जनाब पीर सैयद हसन जहूर साहब आप तशरीफ लाके अंदर और अपने आवाज दे नाल साडे जिला नुमाइंदा फरमाउंदे ने आप दी आमद पहलो एक नारा नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसाला بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سارے دوست احباب جتھے جتھے تک بھی تسا کھڑے ہو جڑی جڑی جگہ تے بھی اپنے اپنے ہون دا ثبوت درود و سلام دے نال دیو سارے مل کے پڑھو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب دی آواز آنی چاہیے صلاه و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ میں انتہائی مشکورا جناب بھائی مدثر علی صاحب دا اور دیگر رفقا ہر سال دی طرح اے ساڈا انتظار بھی کردے نے اور ساڈے نال پیار بھی کردے نے تے اے
हर साल की तरह इन्होंने इंतजाम इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की मोहब्बत की खातर बड़ा अजीब शान आपने किया है। तो ये जड़ियाँ रौनक ने जितनिया मुहब्बत ने जितनिया शफकत ने और जितनिया इज्जत ने कायनात के अंदर अगर कोई इज्जत पा गया कायनात के अंदर अगर किसी ने शोहरत नेक शोहरत हासिल की थी कायनात के अंदर अगर किसी ने आला मुकाम पाया कायनात के अंदर अगर कोई उलमा की शख्स देखे अगर कोई फुकरा की शख्स देखे अगर कोई मुफस्सरीन की शख्स देखे जिन्हें भी रुतबे और दर्जे अल्लाह कहीं भी बुलंदियां और इज्जत अता फरमाई ने उदा राज जमाने वाले और कुछ भी नहीं वो आज मुस्तफा की गुलामी में चले जाए भी मुस्तफा की गुलामी में या रसूल ये जड़े रोशन चिराग जिस जिस गली और बाजार के अंदर इस वक्त इश्क़े मुस्तफा की रोशनी पे फैला दे खुदा की इज्जत की कसम इन्हां दे दीवियां विच तेल किसी दुनियादारी का नहीं है बल्कि मुहम्मद की वफादारी का तेल का है जेड़ा हजूर की महफिल को सजाया जाता है और आज भी ये तकरीबें सही क्योंकि पूरी दुनिया जो तरसी देखी भी जल्दी के दिनार भी पूरी दुनिया जो तकरीबें अच्छी जा रही है मैं अल्लाह और बाबा के दौर में कर करूंगा कि मेरे आका आपकी शान शौकत हुस्न जमाल और कमाल अपनी जगह बात अब याद रखें और फराश के अंदर जिस कमीने चवल मारी साड़ी पूरी कायनात के अंदर जितने जितने मुसलमान मौजूद ने हर परिंदा और चरंद हर इंसान हर बशर मखलूक का हर हर हिस्सा उस शख्स के नाम पर फैल जाए वो नाम दिया तेनू पता नहीं कि तू कि यार के नक्शे पर बना रहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे इस अहम ऐलान दी असी तहिद भी कर दिया और साडे तेनू खुशी है कोई भी साडे यार दा नाम लवेगा और खुश होकर रहेगा दीवाने उस नु मुझे गवर्नमेंट ने जरा इंतजाम किया है मैं शुक्रिया अदा करना वजारत मजहबी अमूर नबे हजरत पीर नूर उल हक कादरी शाह का जिन्होंने मशायख की खास कमेटी दी चंद दरखास्तां जिहड़ियां ने वो कबूल फरमाइयां और अगे भी भेजियां ये जिहड़ा महीना है ये हफ्ता नहीं बल्कि सारा महीना ही मोहम्मद रसूल का जिक्र करा और जिथे जिथे भी मुस्तफा करीम दे सादो शराब दे दीवान है हजूर दे मस्ताने मौजूद ने उन्हां गलियां दे विच हजूर दे जिक्र दा चिरागा हुंदा है और तुहानू मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करना दरबारे आलिया कादरिया नशीबाबाद शरीफ दा खासा रे जिथे भी सरकार दी मोहब्बत दा मौका मिले ए पीर मंजूर हुसैन दे दर ते गदा और कमली वाले आका दी अहले बैत नाल मोहब्बत रखण वाले अपने अपने घरों निकल के हजूर की मोहब्बत का सलूक दे मैं गाना लवा रहा 5 मिनट वास्ते किबला शाह जी नु अपने भाई सैयद बरकात जौर हुसैन शाह साहब सारी मैं आप दे के मुंतवशा आप भी सानू अपनी मखूजा ते खास धन्यवाद नारा लगना चाहिए मैं नारा लगा लिया और दूर दूर तक मैं भी देख रहा कौन कौन बोल रहा और मदीने के अंदर कमली वाले आके भी बैठे हैं नारा
الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله एक बारी फिर मिलके पढ़ना आप मेरी निगाह जजता नहीं कोई मिलके पढ़ो आप मेरी निगाह में जजता नहीं कोई मेरी निगाह में जजता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है जैसे मेरी सरकार है ऐसा सिर्फ चार जुमले और इजाजत जदों मिलादे मुस्तफा दी वारी आती है ते लोग आंदे ने तुसी झंडियां लाते हो झंडे लाते हो लाइटां लाते हो इन्ने पैसे खर्च करते हो किसी गरीब की मदद ही कर दिया करो मैं क्या जो जुलूस के दिहाड़े होंगे ने उदू गरीब की मदद याद आ जाती है आम जीना चाहता कि अल्लाह मदद करना है अल्लाह को मंगना चाहिए बंदे को मंगना नहीं चाहिए मैं क्या हूं भी रब को मंगो क्योंकि रब ने सारे खजाने मुस्तफा के हाथ बना छके सारे खजाने मुस्तफा के हाथ बना छके उनको जमीन मंगे मैं कहना अगर बेटा अपने मिलाद कराए तो बेटे को याद है कि 1400 साल पहले मैंने मंडिया में छेड़िया जाना सी आज अगर मैंने अल्लाह दा फजल आख्या जाने तो जिस नबी की वजह नाल आख्या जाने उस नबी दा ते मिलाद मनाया जाने अगर बेटी मैं अपने मिलाद करानी है तो सोच के करानी है कि 1400 साल पहले मैंने सिंदूर दर दौर किया जाना सी अज अगर मां महफिल मिलाद कराए जिन्हें तुम इसे कट्ठे हो कुर्सियां मेरे आका का दरूद पढ़ के माइया ने कुर्सियां लवाइया ने अब तुम खलोते हो क्यों महफिल मिलाद मेरे पैर थले जन्म थे जिस नबी ने फरमान की वजह ना ले
ਉਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਣੀ ਨਾਮ ਦਾ जिन्हें तुम बाप बुलाते हो अल्लाह तुम्हें औलादा दित्तियां ने अल्लाह सबकी औलाद सलामत रखे। आज अगर औलाद बाप नू जन्नत दा दरवाजा समझदी है ते जिस नबी ने फरमान दी वजह समझदी है सुनी उस नबी दा मिलाद दे जाने ते फिर असीं क्यों ना किए सदा बसे मैनू कोई लो नहीं पैंदी दल 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 ते जावंदी सजा जो एकड़ा मैनू मिले करीम मेरी मुस्कुराहट की तबादल के साथ मंजूर फरमाए वाखरदाब अल्लाह का करता 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 दाब सलात व सलाम अला सैयदिल मुरसलीन मौला करीम मुख्तसर जिहड़ा प्रोग्राम और सरकार दे जिक्र पाक दी महफिल और जिन्हां अहबाब ने इस प्रोग्राम दा सारा इंतजाम कीता है मालिक साहब दी हाजरी अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए बिलखसूस भाई सिपलैन साहब और भाई जवेद साहब और भाई शुभाज साहब और अरफान साहब भाई मुदसर साहब और दीगर जड़े मेरे अजीजाने मन और सरकार के गुलाम जिन्हें दुआ वास्ते किया है मां आहकर गुनाहगार मालक जनाब की बारगाह के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत तो बैन तेरी बारगाह च दुआ करना कि मालक साढ़े सब दियाँ हाजरियाँ और दुआवा अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमा मालिक करीम जिन्हों के घर औलाद कोई नहीं सरकार पाक के बेटिया बेटिया का सदका मालिक करीम उन्होंने नेक उसां दी औलाद अता फरमा जितने लोग बीमार ने मालिक उन्होंने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा बेकसूर कैदियों रिहाई नसीब फरमा दीगर हजूर के जितने गुलाम जिथे जिथे भी सरकार की माफ़ सजाए बैठे ने मालिक करीम शादियां हाजरियां ड्यूटियां नौकरियां अपनी बारगाह अंदर कबूल ते मंजूर फरमा कारोबारा के अंदर बिलखसूस बरकत और रहमत अता फरमा मालिक करीम जितने इस्लाम दुश्मन इस पूरी दुनिया के मौजूद ने सब निस्तो नाबूद फरमा उच्चिया कुल आमीन जिथे जिथे भी इस्लाम दुश्मन मौजूद ने एहले बैत दुश्मन मौजूद ने जिथे जिथे सरकार दे दीन दे दुश्मन मौजूद ने मालिक ने मेरा सब नूं निस्तो नाबूद फरमा मालिक ने मुल्के पाकिस्तान दे हाजरां फरमा जितने भी गुलाम इतने आए ने जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर वफादार कमली वाले आका और हसन हुसैन के गुलामा के यार जितने जितने भी काफला सजाई बैठे मालिक करीम सब दुआ अपनी बारगाह तक कबूल करो फरमा मदीना चौक के अंदर खड़े होके मदीने वाले तेरी बारगाह के अंदर असी अपनी फटे पुराने दामन लेके असी जनाबे गरीब नवाज शाह जी पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब का फतवा बताना आप की निस्बत लेके हाजिर हुए हैं मदीने वाले मदीने चौक के बीच खड़े होके तेरी बारगाह च दुआ करने हैं कि जिनी जल्दी हो सके मदीने के हाजिरी के सलाम पैदा फरमा दे जरूर साढ़े गुनाहगारों मदीना पाक की हाजिरी का शर्फ नसीब फरमा या अल्लाह साढ़े हाल चलैन कर कर्म कर फजल कर ए दीवाने ए मस्ताने एने बैत नाल मुवद्दत करने वाले आज हजारा गलियां दे अंदर हाथ उठा उठा के तेरी बारगाह दे अंदर रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इज्जत और मोहब्बत वास्ते दुआवां पे कर
ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਾਦੋ ਸਾਦ ਰੱਖੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਹਾਸਦੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਇਮਦਾਦ ਕੋ ਨਿਮਦਾਦ ਕੋ ਵਜ ਰੰਜੋ ਖਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋ ਦਰ ਦੀਨ ਉ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਦ ਕੋ ਯਗੋ ਸਿਆਦ ਦਸਤਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਏ ਸਿੱਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਜਮਾਈਨ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਹਿਮੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਬਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਹੈ ਜੋ